हमें जब अपनी आत्मा का ज्ञान पता है, स्वभाव पता है, तो हम आत्मानुभव में देर क्यों कर रहे हैं? बड़े से बड़ा प्रश्न अपने अंदर ही उठाना चाहिए, उठना ही चाहिए। ये प्रश्न ताकत लगा के उठाओ कि जब मुझे सारा मोक्ष मार्ग पता है, जब मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मैं आत्मानुभव क्यों नहीं कर रहा, मैं ध्यान में क्यों नहीं उतर रहा, मैं ध्यान क्यों नहीं लगा रहा। सोचो, अंदर सोचो ये प्रश्न, क्यों मैं टालम टाल कर रहा हूँ, क्यों मैं रोज अपने आप को इधर से उधर, इधर से उधर, कभी विधान में, कभी पूजन में, कभी सम्य शिखर, कभी शिक्षण शिविर, कभी पंच कल्याण, कभी कुछ, कभी क्यों मैं अपने आप को छुपाने में लगा हूँ, मुझे जबकि पता है कि असली मोक्ष मार्ग क्या है, मैं जानता हूँ कि एकांत में तत्व मिलेगा, मैं फिर भी एकांत में धर्म ध्यान क्यों नहीं कर रहा, मुझे संसार का रस खत्म क्यों नहीं हो रहा, मुझे अंदर से पैसे की, मकान की, दुकान की, घर की, गृहस्थी की इतनी चिंता क्यों सता रही, जबकि मैंने समझ लिया है कि मेरी चिंता करने से एक पुद्गल का परिणमन बदलने वाला नहीं है, एक पर्याय बदलने वाली नहीं है। बदलने वाली हो तो बताओ। अरे भाई, जगत के जो अज्ञानी जीव हैं, जो अत्यंत करुणा के पात्र हैं, जिन्हें ये तत्व नहीं मिला, वे बेचारे जगत की चिंता में मग्न हैं, वे पैसा, मकान, दुकान, घर गृहस्थी और स्टेटस मेंटेन करने में लगे हुए हैं, तो उनको लगे रहने दो। उन बेचारों का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि काय के लिए जन्मे हैं, हैं? और मुझे तो पता चल गया, मेरा तो मनुष्य भाव कितना कीमती है, वो मुझे पता चल गया कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मैंने कैसे कैसे चार गतियों में परिभ्रमण किया, ये तो मुझे पता चल गया, ये तो मेरा कोई भाग्य है। अरे, जब मैं जयपुर में पढ़ता था, जब पहली दफ़े मैंने, ऐसे नहीं बनते सच्चे तत्वज्ञानी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने जीवन में क्रांति करनी हो तो आपको लगता होगा, सबको ही लगता है कि अरे कुछ नहीं, अरे मैं जानता हूँ, ये जो आज मेरा तत्व ज्ञान इतना निर्मल हुआ है, ये तत्व ज्ञान कैसे निर्मल हुआ, मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहली दफ़े प्रवचन सुना था, आज भी वो चीज़ें याद आती हैं। पहली दफ़े मैंने प्रवचन सुना था कि मैं स्वयं भगवान हूँ, पहली दफ़े, और मेरे कानों में डॉक्टर साहब बोलते थे और मैं सुनता था उस प्रवचन को, हजारों की भीड़ बैठी थी, मैं पीछे बैठा था, सुनता था, मैं स्वयं भगवान हूँ इस पर डॉक्टर साहब बोल रहे थे, तो मेरे अंदर ऐसा लगता था जैसे पहाड़ बिल्कुल पट रहा हो, छाती फट रही हो, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ सुनी मैंने, अरे मुझे ये बात तो पता ही नहीं थी, ऐसा विस्मय, ऐसा विस्मय, विस्मय के साथ आनंद, विस्मय के साथ, अरे क्या मिल गया, अरे मुझे क्या बात पता चल गई, अरे मैं काय की चिंता में लगा था, मैं क्या कर रहा था, ऐसा उल्लास, ऐसे अंदर परिणाम, ऐसी अंदर जो है श्रद्धा जागृत हुई कि अरे रे रे रे, यही काम करने लायक है, यही समझने लायक। आप विश्वास नहीं करोगे, उस प्रवचन के बाद तो जो लगन, तुम्हें कहते ना लगन, तुम कहते हम कैसे लगन लगाएं, लगने लगती है ना, जब मैंने 4 या 5 दिन लगे होंगे मुझे उससे मुश्किल से, सोचो बात कितने दिन, कितनी फास्ट सर्विस, बीतराग विज्ञान, बालबोध भाग 1 2 3, बीतराग विज्ञान भाग 1 2 3, तत्व ज्ञान 1 2 3, 6 ढाला, लघु जैन सिद्धांत, सब 4 दिन में वहीं बैठे बैठे, जबकि मुझे वहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं था, मैंने कोई पहले पढ़ा नहीं था, लेकिन ऐसा अंदर से लगन लगी कि अरे ये स्वरूप है, और फटाफट फटाफट रात भर पढ़ता था वहाँ बैठ के स्मारक में, कोई मतलब नहीं, 4 दिन में तो मैं समझ लो तैयार हो गया था, मुझे उसके बाद मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये अंदर जब लगनी लगती है, जब अंदर भाव बनते हैं, सेकंड ईयर क्लास में जब समय सार पढ़ा, समय सार उसके पहले भी मैंने पढ़ा था, लेकिन जब व्यवस्थित आत्मख्याति से स्वाध्याय चला, जीवा जीव अधिकार था हमारे कोर्स में, और जो मैंने अंदर ज्ञान स्वभाव को पकड़ा, तो भाई साहब अंदर बैठे 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 मैं ही ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। अरे संसार में क्या, ये धारा निरंतर चलती रहती थी, आत्मा वेदन में आता था, अनुभव में आता था, और उसी धारा का प्रभाव होता है कि जीव संसार से पार हो जाता है।
अरे ऐसे अंदर क्रांति करो, ऐसे सोते सोते कुछ नहीं होगा, ये जीवन चला जाएगा, रोते रोते धर्म नहीं मिलेगा भाई। एक बार तो ताकत लगानी ही, उसके बाद भले ही आराम से बैठना, कोई बात नहीं। एक बार रास्ता देख लो, एक बार अनुभव कर लो, एक बार स्वाद चख लो आत्मा का, जीवन भर तुम्हारे निर्भयता आ जाएगी, जीवन भर आनंद, ये मेरी गारंटी है। एक बार स्वाद ले लो बस आत्मा का, ताकत लगा के ले लो, लेकिन एक बार चख लो बस। सब छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, डरो मत। 10 दिन तक दुकान बंद होए तो हो जाए, 50 दिन तक रिश्तेदारी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन अब मैं आत्मा के अनुभव के बिना नहीं जाऊंगा कहीं। देखो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए, लगा दो ताकत। ये बात मैं तुम्हें गप नहीं मार रहा हूं, मैंने वो ताकत लगाई है और आज भी आए दिन, ख्याल में आए कि नहीं आया, जब संसार की आकुलता विशेष सताती है तो फिर अपने स्वरूप में चला जाता हूं, फिर मैं चिंतन से बाहर आता हूं। देखो भाई मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, अगर वो कहानी तुम्हें समझ में आ जाए तो समझना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। कहानी जापान फकीर की है। जापान में एक सेमिनार चल रहा था, 7 मंजिल की बिल्डिंग थी, 7वें माले पर सेमिनार था, सत्संग सेमिनार सत्संग। वहाँ पर वो साधु वो फकीर आया हुआ था और वो समझा रहा था जैसे मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, ख्याल में आए कि नहीं आए। और आगे प्रधान बैठे थे, विशिष्ट लोग बैठे थे, जो जिस जो आयोजक था, जो ऑर्गेनाइजर था, वो सबसे आगे बैठा हुआ। इतने में भूकंप आया, जापान में बहुत भूकंप आते हैं, और भूकंप आया और भूकंप आया और एकदम भागे लोग, ख्याल में आए ना, सैकड़ों के लोग थे भागे, और जो ऑर्गेनाइजर था वो भी भागा। कौन किसकी पूछता है जब भूकंप आता है कि तुम भागो कि मैं भागू, साहब भाग रहे। लेकिन सीढ़ियों पर उतर रहे थे, फंस गए, क्योंकि इतने सारे एकदम लोग भागे, कोई फंस गया कोई गिर गया, तो एकदम ऑर्गेनाइजर को ध्यान आया कि अरे अपन तो भूल ही गए, अपन तो अपन अपने भाग गए, फकीर जो साधु महाराज थे वो कहाँ है। इतने में भूकंप शांत हो गया, फिर ऊपर भागे, ख्याल में आया ना, तो एकदम वो साधु महाराज जहाँ बैठे थे वो तो वहीं बैठे मिले, और आँख बंद करे हुए थे, आके सब फिर बैठ गए, ऑर्गेनाइजर फिर बैठ गया, और आँख खोली और वापस जहाँ से वो बात छूटी थी बिल्कुल वहीं से वो बात प्रारंभ कर दी। तो एकदम ऑर्गेनाइजर बोला कि महाराज एक मिनट रुक जाओ, अभी छोड़ो मैं तो सब भूल भाल गया, आप क्या बता रहे थे, आप तो ये बताओ कि आप नीचे क्यों नहीं भागे, हम सब भागे आप क्यों नहीं भागे। बोले भागा तो मैं भी था, ऐसी बात नहीं है भूकंप के कारण मैं नहीं भागा, मैं भी भागा, लेकिन हमारे और तुम्हारे भागने का फर्क है। तुम वहां भागे जहां तुम रात दिन सुरक्षा की कल्पना करते हो, और मैं वहां भागा जहां मैं अपने सुरक्षित होने की कल्पना करता हूं, ख्याल में आया कि नहीं आया। तुम अपनी सुरक्षा ये सोचते हो कि नीचे भाग जाऊं, जबकि भूकंप तो 7वीं मंजिल पहली मंजिल क्या करेगी, भूकंप तो भूकंप है। तो मैं अपने अंदर की तरफ भागा, ख्याल में आया कि नहीं आया। और तुम बाहर की तरफ भागे क्योंकि तुम्हें अनादि काल का बाहर के भागने का अभ्यास है। तो ऑर्गेनाइजर तो एकदम कहने लगे वाह, तो बोले मुझे भी अंदर जाना है। बोले ऐसे नहीं जाते, तैयारी पहले करनी पड़ती है, ख्याल में आया कि नहीं आया। कई बार आया गया हूं मैं अंदर बाहर, तो मुश्किल पड़ती तुरंत अंदर चला जाता हूं, लेकिन जो कभी अंदर ही नहीं गया, जिसने कभी वो रास्ता देखा ही नहीं, जिसको अंदर जाने का मार्ग पता ही नहीं, और वो मृत्यु तुम्हें घेर लेगी, तुम अंदर कैसे जाओगे। कई लोग इस आशा में बैठे हुए हैं, इस दुनिया में कई ऐसे आदमी बैठे हुए हैं कि जब मुझे मौत घेरेगी मैं आत्मा में चला जाऊँ, जब हमारी मरने का समय आएगा मैं तो ध्यान में लग जाऊँगा, ध्यान करने लगूंगा, मैं सब मोह छोड़ दूंगा। क्या मुँह रखो, क्या
हैं? अरे भाई अभी छोड़, अभी अंदर जाने का रास्ता सोच, अभी इंद्रियां सबल हैं, अभी तेरे अंदर शांति है, ताकत है, तेरे अंदर अभी कोई शारीरिक व्याधि नहीं है, बेचैनी नहीं है, तकलीफ नहीं है। अभी आत्मा में जाने का अभ्यास कर, अभी करेगा तब मुश्किल घड़ी में अंदर जा पाएगा। लेकिन जो अच्छे समय में अंदर जाने का अभ्यास नहीं करेगा, वो बुरे समय में तो तीन काल में नहीं जा सकता। अरे भाई दुनिया में कोई खेल हो, कोई प्रतियोगिता हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, कोई भी कुछ भी हो, उसको पहले घर में अभ्यास करता है, पहले अपने घर के ग्राउंड पे अभ्यास करता है, वहाँ चौके छक्के मारता है, वहाँ पर बड़े बड़े छक्के चौके लगाता है। जब वहाँ पर रात और दिन प्रैक्टिस करता है, तब एक दिन ऐसा आता है कि वो दुनिया के इंटरनेशनल स्टेडियम में शतक लगाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं बल्ला भी नहीं छूंगा, मैं तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट का टाइम आएगा तो तभी मेरे को बुलाना, मैं तभी छक्का लगाऊंगा, कि तब छक्का तो छोड़, बल्ला भी नहीं पकड़ पाएगा। ऐसे ही कई लोग इस आशा से बैठे हुए हैं, कभी तो मेरे बाल बच्चे हैं, इनकी शादी कर दूं, बच्चों को बड़ा कर दूं, भाई पढ़ लिख जाएं बस पंडित जी, इनकी शादी करके बस आपके ही साथ रहना है। अरे मूर्ख तुझे कभी नहीं रहना। कई लोग मुझे मिल जाते हैं कि हमें तो आपका सत्संग करना है, आपके साथ ही रहना। अरे मेरे साथ क्या रहोगे, अपने साथ रहो, ख्याल में है ना। कोई बच्चों की शादी करने की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई बच्चे बड़े हो जाएं इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किसी के बच्चे की शादी हो गई है तो इनके थोड़ा संभाल दूं, नाती पोते हो जाएं, थोड़ा घर संभल जाए। अरे मूर्ख अब कुछ नहीं संभलना है, अब तेरे जाने का समय आ गया, ये बात पक्की है। और सुन, ये समय आ गया अगर देवेंद्र जी, रमेश जी के अब नाती पोते हो गए, तो अब समझ लेना कि अब भी अगर तुम थोड़ा सा टाइम नहीं लगाए अपने में, तो अब सीधी गाड़ी बिना ब्रेक की सीधी नरक निबोध में रुकेगी, कोई उपाय नहीं संसार से बचने का। चार गति की परिभ्रमणा जीव को अभाव करने का अवसर महाभाग्य से कभी कभार मिलता है। तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, एक एक शब्द की कीमत है। मैं अपने पिताजी से कहता हूँ कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन सुनो। क्या करोगे सोचो, पिछले जन्मों का कोई पुण्य का उदय पका होगा, तब ये तत्व, ये जन्मवाणी मिल गई, और इस जन्म में इसका आदर, इसका सत्कार, इसका बहुमान, इसकी भक्ति, इसकी जिज्ञासा नहीं रखोगे तो अगले जन्म में नहीं मिलेगी। जैसे दुनिया में कहते ना, मैं जानता हूँ मैंने पिछले जन्मों में कोई विशेष ही तत्व की आराधना करी होगी, मैं ये बात स्वीकार ही करता हूँ, मुझे कभी इस बात में शंका नहीं है। मैंने कोई पिछले जन्मों में देव शास्त्र गुरु की बहुत अनुमोदना करी, और मुझे इस जन्म में बहुत जल्दी शुरुआती दौर में, जिसे कहते जिंदगी का प्रारंभ, तत्व नहीं मिल गया। तत्व तो बहुत लोगों को मिल जाता है सुनने समझने के लिए, मुझे भाई साहब अनुभव में आ गया कि अरे ये काम करने लायक, ये बात ऐसी है। इसलिए कई लोग कहते हैं मेरे से कि शास्त्री तो बहुत बनते हैं, सब सब है, लेकिन वैसी बातें नहीं निकल के आती जैसी अपने स्वाध्याय में आती। भैया बात शास्त्री बनने से भी बातें नहीं आती हैं, ग्रंथों को पढ़ने से बहुत नहीं आती हैं। अंदर जो जीव भीगेगा, जो अंदर जीव उस तत्व को साधेगा, जो उसकी अनुभूति में उतरेगा, जो उस पर ध्यान देगा, जो जागता है, वो ही इस तरीके की बात कर पाएगा। शास्त्रों के भरोसे कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ, तो वो जैन फकीर अपने अंदर चला गया। तो उसने कहा कि तुम्हें अंदर जाना है, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो तैयारी करो और अंदर जाके देख के आओ। इसलिए मैंने ये बात क्यों कही कि अभी समय है, तुम कल पे मत टालो, प्राण झोंक दो आत्मा के अनुभव में, ताकत लगा दो, मरने से कभी मत डरना, क्योंकि जीव कभी मरता नहीं, और जिस मरने से तुम डरते हो वो मरना कभी रुकता नहीं। क्या कहा मैंने, दो बातें नोट करो,
मरने से कभी नहीं डरना, क्योंकि मैं कभी नहीं मरता। और जिस मरने से तुम डरते हो, वो मरना कभी नहीं रुकता, वो आज तक किसी का नहीं रुका। ये तो देव और आत्मा का वियोग होना ही होना है, चाहे कुछ कर लो। देखो आयु कर्म के बारे में और समझा दे, तुम्हें आयु कर्म पे भरोसा करना चाहिए, नहीं करते तो करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए कि आयु कर्म के बिना जीव नहीं रह सकता। निर्णय देखो, घटनाएं रोज आप पढ़ते हो, बच्चा पेट में था, जिस माँ के पेट में बच्चा था, और डॉक्टर बच्चे को बचा लेते और माँ मर जाती है, है नहीं आश्चर्य? बच्चा कितना कमजोर, कितने छोटे प्राण, कितनी छोटी स्थिति, कितनी छोटी शरीर की अवगाहना, फिर भी उस बच्चे को बचा लिया जो उस माँ के पेट में है। वो कह रहे माँ नहीं बची, कमाल है साहब। बच्चे को जन्म देने वाली माँ मर गई और वो छोटा सा बच्चा बच गया, इसका क्यों? उस बच्चे का आयु कर्म था। कभी कभी भूकंप आते हैं, बिल्डिंगों के नीचे दब जाते हैं। अभी देखो सीरिया में, तुर्की में कितनी घटनाएं, बाप रे बाप, कोई 6 दिन से दबा, कोई 8 दिन से दबा, कोई 12 दिन से दबा, समझ में आया? अभी तो ऐसा आया कि इतने से सुराख में सांस ले रहा वो 8 दिन तक, बताओ ना पानी ना कुछ, और डला उसके नीचे दबा, छोटा सा बच्चा बच गया, और बाहर निकाला तो खिलखिला रहा, हंस रहा। अभी की बिल्कुल सच्ची बात, वो वीडियो आया, वो बच्चा खिलखिला रहा, हंस रहा, ख्याल में, और बाप खत्म, माँ खत्म, सब खत्म, वो हंस रहा, उसको पता ही नहीं 2 साल का बच्चा है। अब इससे समझ में आया कि जो आदमी इतना लंबा चौड़ा शरीर लेके बैठा है वो मर गया, और वो बच्चा जिसको बचने का कुछ पता ही नहीं है, वो कहीं भाग ही नहीं होगा बेचारा 2 साल का, क्या जाने वो ख्याल में आए कि नहीं आए, उसको क्या पता क्या हो रहा है, और वो बच गया। ये बसों के एक्सीडेंट होते हैं, बच्चा मर बच जाता है और माँ मर जाती है, वो छोटे से बच्चे गोद में लिए हैं माँ, और एक्सीडेंट हुआ और पता चला बच्चा बाजू पड़ा हुआ, हंस रहा है, खिलखिला रहा है, माँ मर गई। अब इससे निर्णय करो, कह रहे किसकी चिंता करना, क्या चिंता करना, चिंतन करो, चिंता नहीं, ख्याल में आए ना, चिंतन करने योग्य है संसार का स्वरूप, चिंता करने योग्य नहीं है, चिंतन करने योग्य है। ये चिंतन करो, कह रहे किसकी चिंता, क्या आकुलता, किस बात का भय, इस संसार में अनंत अनंत जीव भरे पड़े हुए हैं, अनंत जीवों का जन्म हो रहा है, अनंत जीव मर रहे हैं, परिवर्तन चल रहा है, निरंतर परिणमनशील वस्तु दिखाई दे रही है। अभी पतझड़ लग गया, पत्ते झड़ेंगे, अभी फिर सावन आएगा, फिर नए पत्ते निकलेंगे। ये प्रकृति तुम्हें रोज बता रही है कि यही संसार का स्वरूप है, जो जवान हुआ वो बूढ़ा होगा, जो बच्चा है वो जवान होगा, जो पैदा हुआ है वो बड़ा होगा, यही प्रकृति बता रही है। जो बाल सफ़ेद हैं, काले हैं, वो सफ़ेद हो रहे हैं, स्किन धीरे धीरे अपना डेवलप मुरझा रही है, बुढ़ापा नज़दीक आ रहा है, क्या घबराना, कोई हमारा अकेला थोड़ी आया, ऐसा तो नहीं है कि मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है कि मैं इसकी चिंता करूं। अरे एक से एक राजा, महाराजा, इंद्र, चक्रवर्ती हैं, राजाओं को क्या समझते हो आप, इन नेताओं को क्या समझते हो अरविंद जी हैं, मोदी जी हैं, कोई भी नेता है, इनका खाने पीने का सिस्टम पता है तुम्हें हैं? तुम कहते कि ये तो जहरीला नहीं खाते, बहुत अच्छा खाते, बढ़िया ठीक है मान लिया मैंने, कितने व्यवस्थित खाते, फिर भी बुढ़ापा आता है कि नहीं, आयु कर्म पूरा होता है कि नहीं होता, कौन बचा पाता है, कौन बचा पाया, एक से एक राजा महाराजा हुए, को बहुत कोशिश करी कि मैं जिंदा रहूंगा, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर अपने क्यों परेशान हो, हम क्यों आकुलता करें, हम क्यों सोच रहे ठीक है भैया आ गया आ गया। पता है जीव के सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि वो परिवर्तन स्वीकार नहीं करता, वो हमेशा पर्याय को पकड़ के रखना चाहता है, वो वैसे ही का वैसा बनाना चाहता है, वो वस्तु परिणमनशील है, बूढ़ा मरना नहीं चाहता, जवान बूढ़ा नहीं होना चाहता, ख्याल में ना, वो जवान बूढ़ा हुए बिना नहीं रहेगा और बूढ़ा मरे बिना नहीं रहेगा, यही वस्तु का स्वरूप है, फिर चिंता क्या करना, और पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता।